दोस्तों नमस्कार, हम मौजूद हैं बरेली के बेसिक शिक्षा विभाग दफ्तर के ठीक सामने और कई गुरुजन मेरे कैमरे की नज़र में आप देख रहे होंगे। मृदुला गंगवार जी हैं, इधर राहुल यदवंशी जी हैं और तमाम गुरुजन हैं। एक निष्ठा नाम से एक ट्रेनिंग चल रही है बेसिक शिक्षा विभाग में, कार्य कुशलता शिक्षकों की कैसे डेवलप की जाए, बच्चों में कैसे अभिरुचि पैदा हो शिक्षण के प्रति, स्कूलों के प्रति, यानी दिल्ली मॉडल पर कैसे स्कूल उत्तर प्रदेश के भी विकसित किए जाए, ऐसा पूरा प्रयास न केवल सरकार के स्तर से हो रहा है बल्कि विभागीय अधिकारी भी कर रहे हैं और शिक्षक भी इस ट्रेनिंग को बखूबी ग्रहण कर रहे हैं। आज हम इन गुरुजनों से बात करेंगे कि ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा है, कैसे कारगर होगी निष्ठा ट्रेनिंग आने वाले दिनों में, कैसे प्राइमरी स्कूलों पर विश्वास लोगों का बढ़ेगा, अभिभावकों का बढ़ेगा, बच्चों की संख्या बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी। आइए बात करते हैं आप सब गुरुजनों से। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गंगवार जी, क्या कहना चाहेंगे निष्ठा ट्रेनिंग को लेकर? मैं सर ये कहना चाहती हूँ कि इसमें जो है मुख्यतः ये बात बताई गई कि हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने के बारे में, कि स्कूल हमारे हेल्दी तभी हो पाएंगे जब हम बच्चे का मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तीनों तरीके का विकास उसे प्रदान कर सके। बहमुत शिक्षा दें, डरे नहीं, जैसे किसी भी सब्जेक्ट को ये ना बैठे कि हमारा डर बैठ गया है कि गणित है, गणित का विषय है, भाषा है, खेलकूद है, मतलब उसमें जो है उसकी अंदरूनी जो उसकी अभिव्यक्ति है उससे जोड़ा गया है। हेल्दी एनवायरनमेंट जो है समाज में, अगर पेरेंट्स जागरूक नहीं है तो हमको उनकी परेशानी भी देखनी है कि अगर वो बच्चे को नहीं स्कूल भेज रहे हैं तो वहाँ क्यों नहीं भेज रहे हैं। शिक्षक जो है सुगमकर्ता के रूप में जो है स्कूल में जाके देखेगा, विजिट करेगा, किसको कौन सी परेशानी है, आर्थिक है, सामाजिक है, जो भी है। थैंक यू। नाम आपका? मेरा नाम कपिल यादव है, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ का जिला महामंत्री। क्या कहना चाहेंगे निष्ठा ट्रेनिंग को लेकर? निष्ठा ट्रेनिंग को लेकर ये कहना चाहेंगे कि जो वहाँ पर कराई जा रही है ये सब मेन्यू, मिड डे मील का मेन्यू जो है उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा है और ट्रेनिंग की चर्चा कम है। आपका? कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री प्राथमिक शिक्षा मिशन सर। कौशल जी, क्या कहना चाहेंगे निष्ठा ट्रेनिंग को लेकर? निष्ठा ट्रेनिंग को लेकर जिस तरह से सरकार की एक सोच है कि प्राथमिक शिक्षा में बेहतरी के लिए जो प्रयास किया गया है, तो उसके लिए जो अधिकारी है वो भी थोड़ा सा गंभीरता से लें, जिससे जो एक व्यवस्था दी गई है सरकार की तरफ से कि इनके बच्चों को अच्छा शिक्षा और उस हिसाब से जो ट्रेनिंग है वो सही से कराई जाए। बाकी जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं मेन्यू या अन्य चीज़ों को लेके, तो ये बहुत सही नहीं है, इसमें थोड़ा सुधार होने की ज़रूरत है। और इस तरह की चीज़ें अगर निकल के जाती है तो कहीं ना कहीं इसका गलत प्रभाव तो पड़ता ही है। ईश्वर गंगवार जी, सर क्या कहना चाहेंगे निष्ठा ट्रेनिंग को लेकर? ये विभाग द्वारा जो निष्ठा ट्रेनिंग इस समय कराई जा रही है, इसकी वैसे कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इस पे जो भी जितना व्यय हो रहा है ये एक तरह से अगर देखा जाए तो व्यर्थ है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे परिषद में इतने योग्य शिक्षक हैं, किसी को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ट्रेंड है। ठीक। निष्ठा ट्रेनिंग के संबंध में मैं पहले एक स्थिति ये क्लियर कर दूँ, जैसे हमारा बेसिक शिक्षा विभाग अब तक कक्षा 1 से 8 तक के लिए केवल रिस्पॉन्सिबल था, तो MHRD मंत्रालय की तरफ से इस तरह का ये कार्यक्रम लागू किया गया है कि हमारी जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो बेसिक शिक्षा है वो, और इंटर कॉलेज, तीनों ही विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, ये तीनों विभाग मिल करके अब बच्चों के उन्नयन के लिए शैक्षिक क्षेत्र में काम करेंगे। क्या निष्ठा ट्रेनिंग में आप समझा रही हैं, बता रही हैं शिक्षक? सर जो निष्ठा ट्रेनिंग है, इट इज़ अबाउट होलिस्टिक एडवांसमेंट। इससे पहले जो ट्रेनिंग हुई थी तो स्कूल से एक किसी टीचर को या अनुदेशक को बुलाते थे, इस बार इसमें हेड टीचर्स भी इंक्लूडेड हैं, टीचर्स भी हैं, अनुदेशक भी हैं, शिक्षा मित्र भी हैं, तो होलिस्टिक शब्द का तो था समग्र। इसमें जो है समग्र एडवांस करना है हर टीचर को, हर स्कूल को, हर बच्चे को। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सरकार जो है दे रही है, बाउंड्री वॉल हो, ड्रेस हो, चाहे जो भी चीज़ें, सभी कुछ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और टीचर्स को भी बताया जा रहा है कि आप हर सब्जेक्ट को अलग ना करें, अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं उसमें आर्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। बच्चे से कह सकते हैं आप A2 बनाइए, 3 बनाइए, 4, तो इंग्लिश हिंदी सबको मेंटल एडवांसमेंट भी है, आर्टिस्टिक एडवांसमेंट भी है, हेल्थ का भी एडवांसमेंट है, इसमें सभी कुछ एडवांसमेंट हमको सिखाया गया है। थैंक यू। प्रमोद कुमार सिंह। प्रमोद जी, निष्ठा ट्रेनिंग क्या है आपके हिसाब से? निष्ठा ट्रेनिंग के बारे में हमें जो बताया जा रहा है वो ये है कि आप जो है बच्चों के साथ, जो छोटे ज़्यादा बच्चे, कक्षा 1 के 2 के बच्चे, छोटे बच्चे हमारे यहाँ हैं, उनके पास जाइएगा और उनसे जो है उन्हीं की मतलब भाषा में, उन्हीं के फ्रेंडली उनसे जो है बात करिएगा, ताकि वो आपको, आपके फ्रेंक हो गए, आपके बिना झिझके हुए आपसे
बात करें और आपके से कुछ सीखने का मतलब जो है अनुभव लें।